केंद्रीय चुनाव आयोग ने दो राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। इन दोनों राज्यों में 18 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। वहीं नतीजों की बात करें तो दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा में सरकार का कार्यकाल 3 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान करने से पहले जम्मू कश्मीर के मतदाताओं की जमकर प्रशंसा की। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं में उत्साह को देखते हुए और अनुकूल माहौल को देखते हुए चुनाव कराए जाने का फैसला लिया गया है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान के बारे में संवाददाता के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि महाराष्ट्र में बारिश एक बड़ी वजह है, साथ ही वहाँ पर फेस्टिवल भी काफ़ी नज़दीक है, जिसकी वजह से अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र की विधानसभाओं का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के दौरे पर गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नहीं पहुंची। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, देश भर में चुनाव का पर्व मनाया गया, लोकतंत्र का जीवित उदाहरण देश ने देखा। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं, लोगों को 36 बार ने फैसला कर रखा है ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। So if we now come to the J&K first, there are total 90 assembly constituencies, of which 74 are general, SC are 7 and SC are 6, ST are 9 and SC constituencies are 7. ये delimitation के बाद reservations जो provide किए गए उनकी कहानी है। अगर electors के data के बारे में बात करें तो J&K में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 44.46 लाख मेल और 42.62 लाख फीमेल वोटर्स होंगे। बड़ी अच्छी स्टोरी यह भी है कि जिस तरीके से यूथ ने पिछली बार भाग लिया इलेक्शंस में, इस बार उसके बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे अराउंड 3.71 लाख, और टोटल अगर वोटर्स को देखें तो 20 लाख एंड अबव वुड बी दी यूथ, एंड वी वांट टू फोकस ऑन यूथ एज एम्बेसडर्स ऑफ आर इलेक्शंस। रोल इलेक्टोरल रोल बनने की प्रक्रिया चालू है और काफी समय से आयोग ये बात की तैयारी कर रहा था कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो, जैसे ही अमरनाथ जी यात्रा खत्म हो, तो आप देखेंगे कोइंसिडेंस नहीं है, 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को फाइनल रोल भी पकड़ा।